ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम हम और आप सभी भाव से मांगितुंगी पर्वत पर चढ़कर के और भगवान शिवदेव के समीप पहुँचे। ओम ह्रीं श्री शिवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शिवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शिवदेवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। हमारे सामने षटखंडागम ग्रंथ विराजमान है, मंगलाचरण में अनादि ध्यान महामंत्र। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम। सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वाश्रयलोक्यमूर्धगान इष्टः सर्वक्रियान्ते सौ शांति सोहृदिधार्यते। भव्यात्माओं, इस षटखंडागम ग्रंथ की प्रथम पुस्तक में सत्वरूपणा में 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाओं का मुख्य रूप से कथन है और उसमें सब कुछ आ जाता है, सारा सार, जिसको कि श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अमरसार जीव कांड में निहित किया है। यहाँ प्रकरण है संयुक्त मार्गणा का। इसमें संयुक्त के तीन भेद के रात में आपको मैंने बताए थे, मुख्य रूप से छायिक संयुक्त, वेदक संयुक्त और उपशम संयुक्त। उसमें नरक में नारकियों के मिथ्यात्व गुण स्थान तो है ही है, मिथ्या दृष्टि है, साधन सम्यक दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि है और असंयत सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि है। कहाँ तक है? सातवीं पृथ्वी तक है। अब उसमें स्पष्टीकरण यह है कि पहले नरक में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जो है उनमें छायिक सम्यक्त भी है, छायिक सम्यक दृष्टि भी है, वेदक सम्यक दृष्टि भी है और उपशम सम्यक दृष्टि भी है। छायिक सम्यक दृष्टि में उदाहरण आपको मालूम है, राजा श्रेणी का बहुत स्पष्ट है और ऐसे ही कितने ही संख्यातों संख्यातों सम्यक दृष्टि है। जो पूर्व में नरक आयु बांध ली, पश्चात सम्यक ग्रहण किया, ऐसे जीव नरक में छायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक तक है, नीचे सम्यक दृष्टि नहीं जा सकते, पहले नरक के नीचे सम्यक दृष्टि नहीं जाएंगे, तो वहां छायिक सम्यक तो नहीं है। क्योंकि छायिक सम्यक तो यहाँ तीर्थंकर केवली सुत केवली के पाद मूल में ही होता है, वहां उपशम सम्यक और वेदक सम्यक तो प्रकट हो सकता है। जाति स्मरण से एकदम घबराए हुए चिंतन करते, अरे मैंने पूर्व जन्म में देखो ऐसा ऐसा पाप किया था इसलिए नरक में आया और परिणामों में उज्ज्वलता आती है, कुछ देवों के संबोधन से तीसरे नरक तक और कुछ पूर्वों के संस्कारों से जाति स्मरण आदि से सम्यक प्रकट कर देते हैं। सातों नरक तक सम्यक दृष्टि है, पहले नरक में छायिक वेदक तीनों है, आगे दूसरे नरक से सातवें नरक तक छायिक सम्यक तो नहीं है। तिरंचों में पांच गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि है, साधन सम्यक दृष्टि है, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत बने देशवर्ती। तो इसमें बताया है कि असंख्यातों द्वीप समुद्रों तक ये सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, असंख्यातों द्वीप समुद्रों तक। अब ढाई द्वीप से परे और स्वयंभू रमण समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप जो है उसके आधी द्वीप से इधर उधर तक भोग भूमि तिर्यंच है। तो प्रश्न हुआ षटखंडागम ग्रंथ में कि वहां पर भोग भूमि में पांचों गुण स्थान नहीं हो सकता, देशवृत्ति नहीं हो सकते, तो कैसे माना? तो कहते हैं कि कर्म भूमि तिर्यंच, चाहे ढाई द्वीप के इधर के हों मनुष्य लोक से और चाहे उधर स्वयंप्र का आधा द्वीप, स्वयंभू रमण आधा द्वीप और पूर्ण समुद्र, पूर्णा समुद्र, उसे असंख्यातों तिर्यंच देशवृत्तियां, असंख्यातों तिर्यंच देशवृत्ति है, अणुवृत्ति है, अणुव्रत को पालन करने वाले पंचम गुण स्थान वृत्ति,
उनको कोई बैरी देव ने उठाया और ले जाकर के बीच के समुद्र में द्वीप में डाल दिया, वहां उनके पंचम गुण स्थानवर्ती तिलंज इस अपेक्षा से पाए जाते। कहा है बैर संबंधे न देवैर दानवैर वा उत्क्षिप्य क्षिप्तानाम देशवर्ती नाम सर्वत्र सत्वा विरोधात्। बैर के संबंध से देव अथवा दानव कोई भी, मतलब असुर कुमार आदि के देव, कोई भी देव भवनवासी वेन्द्र ज्योति आदि देव, उन्हें उठाया सम्यक दृष्टियों को देशवर्तियों को, चाहे यहां से चाहे वहां से, स्वयं भ्रमण संबंध से, पर्वतों से, और उठा करके असंख्यात दीप समुद्र में भवभूमि में डाल दिया। इस दृष्टि से असंख्यातों द्वीप समुद्रों में सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि और देशवर्ती तिरंज भी पाए जाते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि तिरंज पाए जाते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि तिरंजों में अगर उत्पन्न होंगे तो भोगभूमि में ही उत्पन्न होंगे, कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकते तो वो देशवर्ती नहीं बन सकते। तिरंजों में तीनों प्रकार के हो गए। अब पंचेंद्रिय तिरंज, पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्त आदि, इनमें असंयम समय दृष्टि संहिता संहिता आदि गुण स्थान में माना गया है, छायिक समय दृष्टि नहीं होते हैं। आप देखिए क्योंकि वहां देशवृत्ति जो बने हैं तो छायिक समय दृष्टि देशवृत्ति नहीं बन सकते, वहां है ही नहीं, भोगभूमि में ही है। भोग भूमि में कदाचित उनको ले जाया, जन्म ले सकते हैं। मनुष्य मिथ्या दृष्टि, शासन समय दृष्टि, संबंध मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संहिता संयत संयत, सब चौदहों गुण स्थान मनुष्यों में हो सकते हैं, होते हैं। आज यहाँ जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल होने से छायिक समय दृष्टि नहीं है, और पांचवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान और सातवें गुण स्थान से ऊपर कोई गुण स्थान नहीं है पांचवें काल में। चतुर्थ काल में और 160 विधेय क्षेत्र में सब है। इस प्रकार से अढ़ाई द्वीप समुद्र का मनुष्य असह्य समय दृष्टि, संहिता संहित आदि, छायिक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, उपम समय दृष्टि, तीनों प्रकार के रहते हैं। वर्तमान में पंचम काल में यहाँ नहीं है। देवों में चार गुण स्थान है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। एक बात ध्यान में रखना है, सबसे अधिक संख्या सम्यक दृष्टियों की देवों में है, ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में आया है। सबसे अधिक संख्या देवों में है, असंयत सम्यक दृष्टियों की, असंख्यातों असंयत सम्यक दृष्टि देवों में है। देवों में पांचों गुण स्थान हो ही नहीं सकता। छायिक सम्यक दृष्टि भी है, वेदक भी है और उपम सम्यक दृष्टि भी है। अब एक ध्यान रखना, छायिक सम्यक दृष्टि भावनात्मक में नहीं है। छायिक समय दृष्टि मर करके सम्यक तो सही जाएगा तो भावनात्मक में नहीं जाएगा, भावनवासी व्यंतर दृष्टि में नहीं जाएगा, कल्पवासी ही होगा 16 सर्ग आगे तक। भावनवासी भान व्यंतर दृष्टि देवी देव और देवी देवी सौधन विशान सर्ग जो देवियां हैं, कल्पवासी सर्गों तक देवियां, इनमें असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में खई सम्मा दृष्टि न थी, छायिक समय दृष्टि नहीं है, क्योंकि जन्म नहीं लेते, वही सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। ये नियम है, भवनत्रिक में सौधर विशान सर की देवियों में वही सम्यक ग्रहण लेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में देवी पर्याय में नहीं जाएगा। सची इंद्राणी भी जो एक भावतारी होती है लेकिन यहां से सम्यक सहित नहीं जा सकती, वहां जाकर सम्यक ग्रहण कर लेती है, ये ध्यान में रखना। उस छाई सची इंद्राणी मिथ्या दृष्टि नहीं है लेकिन यहां से सम्यक लेकर स्त्री पर्याय में नहीं गई है। अनुत्तर विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि, इनमें असंयत सम्यक दृष्टि ही होते हैं, सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, महामुनि ही जाते हैं, वहां सम्यक दृष्टियों का ही स्थान है, वहां मिथ्या दृष्टि है ही नहीं, एक भी देव मिथ्या दृष्टि नहीं, ये बात ध्यान में रखने का है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में सम्यक दृष्टि ही है, नवग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। मैंने एक बार बताया था कि 16वें सर्ग के ऊपर निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा से ही जाएंगे नवग्रहवेग में, लेकिन वो कदाचित भाव से मिथ्या दृष्टि है, पहला गुण स्थान है या अभव्य है,
मुनि है, महामुनि है, निर्दोष चारित्र प्राण कर रहे हैं। सदोष चारित्र वाला नवग्रह एकों में नहीं जा सकता, सदोष चारित्र वाला भवन त्रिकादिकों में जाएगा। आचार्य श्री वीरसार महाराज कहा करते थे कि भैया अपने समय को कभी मत छोड़ो, निर्दोष चारित्र पालन करो, नहीं तो देव दुर्गति में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न होता था, गुरु महाराज आचार्य श्री बताइए देव दुर्गति क्या है? तो कहते देवों में भी किलविषक जाति के देव हो गए, अभियोग जाति के देव हो गए, आज्ञा से सौधर्मिंद की आज्ञा से वाहन का रूप लिया, नगाड़े बजाते चल रहे हैं, सात प्रकार की सेनाओं में चल रहे हैं, ये सब देव जो है ये देव दुर्गति कहलाती है। यद्यपि दुर्गति वहां कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मानसिक आहार, दिव्य शरीर, वैक्रिय, किसी प्रकार का रोग नहीं, शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, मरण तो है ही है, लेकिन उनको ऐश्वर्य में, वैभव में उनके कमी है और उनको सौधर्मिंद की अनुशासन में जो कहे सो रूप लेना पड़ेगा। सेना में कहेंगे सेना में नगाड़ा बजाना बजाना, सात प्रकार की सेना तैयार होती है भगवंतों के कल्याणकों में आने के लिए, बहुत बड़ी विशाल सेना आती है, असंख्यातों देव देवी आपके अयोध्या में, ध्यान रखना असंख्यातों देव देवी भगवान के कल्याणकों में वही 96 मील की अयोध्या में समा गए थे। ये अतिशय विशेष हस्तनापुर में, कुंडलपुर में, भगवान की जन्मभूमियों में जो पंच कल्याणकों में देवगण आते हैं, यहां मांगी दुंगी पर्वतों में जो बलभद्र आदि महा मुनि मोक्ष गए हैं उनके निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए, निर्वाण पूजा करने के लिए आए देवगण, असंख्यातों देवगण आते। सामान्य मुनियों के भी केवल ज्ञान कल्याणक में गंधकुटी की रचना होती है, मोक्ष प्राप्त करते हैं, देवों का समुदाय आता है उनके शरीर का संस्कार करने के लिए। आप जब किसी भी कार्य में, विधान में, अनुष्ठान में, प्रतिष्ठाओं में 3 कुंड बनाते हैं, बीज का कुंड तीर्थंकर कुंड है, सामने का कुंड त्रिकोण गणधर कुंड है, और गौर कुंड सामान्य केवली कुंड कहलाता है, कहलाता है ना, ये क्या है, उनके शरीर का संस्कार देवगण उसी प्रकार के कुंड को बनाकर करते हैं। हमेशा ध्यान रखो आदि पुराण में आया है। आजकल कुछ लोग हमारे जैन समाज में भी पूर्णाहुति हवन आदि का विरोध करने लग गए, धूप खेने का विरोध करने लग गए। अरे क्या अष्टद्रव्य में एक द्रव्य कम हो जाएगा, दीप धूप अष्टद्रव्य। अकृत्रिम जैन मंदिरों में बताया है तिलोपरंति आदि ग्रंथों में कि आज तक वहां धूप घट जो रखे हैं उनमें अग्नि जल रही है, जलती ही रहेगी, कभी बुझी ही नहीं, और देवगण धूप खेते रहते हैं, धुआं निकलता रहता है, पर्यावरण शुद्ध। आप यहां मंदिरों में धूप खेते हैं, हवन करते हैं आदि, चारों तरफ जहां तक धुआं जाता है पर्यावरण की शुद्धि होती है, बहुत महत्व है इसका। तो मैंने संक्षेप में ये सम्यक मार्गदर्शन आपको बताई, बातें विचार करके हम देखें तो कई बार चिंतन आता है कि तिरंचों में उत्पन्न होने वाले बद्धा इसके तिरंच, जिन्होंने तिरंचाई पहले बंद कर लिया फिर शाही समुद्री बने, ऐसे मनुष्य असंख्यात द्वीपों में तिरंचों में उत्पन्न हो जाते हैं, भोग भूमियों में, पहले जो है आयु बांध ली, बाद में छाई समेत क्या राजा श्रेणी के समान, पहले तिरंच आयु बांध ली तो भोग भूमि में उत्पन्न हो गए, कर्म भूमि के तिरंच नहीं बनेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तिरंचों में छाई समय दृष्टि असंख्यात माने हैं, तिरंचों में छाई समय दृष्टि असंख्यात है, और ये असंख्यात समय दृष्टि ये आया है सरखंडागम पुस्तक 5 में प्रकरण आया है। तिरंचों में असंख्य समय दृष्टि गुणस्थान में छाई समय दृष्टि असंख्यातों हैं और वेदक समय दृष्टि उनसे भी असंख्यात गुणे हैं। ये चिंतन करने का विषय है कि इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कब आयु बंध जाएगी हमें और आपको मालूम नहीं, इसे हमेशा सावधान रहो, कहीं नरक आयु न बंध जाए, कहीं तिरंच आयु न बंध जाए। आयु बंधने के बाद छूट नहीं सकती, गति छूट सकती है, अगर नरक गति बंध गई, तिरंच गति बंध गई और विशेष पुण्य संपादन किया, समय दृष्टि बन गए, गति बदल जाएगी, छूट जाएगी, उसका संक्रमण हो जाएगा, आयु नहीं छूटेगी, आयु में अपकर्षण हो सकता है,
घट सकती है। आज के श्रावक लोग जो हैं देव सात गुरु की भक्ति करते हैं तो इन्हें कौन सा सम्यक दर्शन है? सर्वसम वेदक समेत, वेदक समेत, क्योंकि उपसम का काल अंतर्मुहूर्त है, हुआ और खत्म, फिर होगा नहीं। वेदक सम्यक तो है, सर्वसम सम्यक तो, चल मलिन घाट दोष भले लग जाए लेकिन उनका सम्यक तो दृढ़ है। देव सात गुरु की श्रद्धा रखने वाले, उनकी भक्ति करने वाले मिथ्यात् के त्यागी, मिथ्यात् का पूर्ण रूप से त्याग करने वाले जो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वो चौथे गुणिस्थानवर्ती भी हैं, पंचम गुणिस्थानवर्ती भी हैं, अणुवृत्ति हैं तो पंचम गुणिस्थान हो गया। सम्यक दर्शन का थर्मामीटर क्या है? सम्यक दर्शन का थर्मामीटर तो सर्वज्ञ के पास है, लेकिन हम और आप इतना ही निर्णय कर सकते हैं, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक की भावना से। इसके अंदर कसाल की मंदता है, आस्तिक की भावना दृढ़ है, सुमेरु है ज्योतिर्लोक है, ज्योतिर्लोक भवनों में असंख्यात जिन मंदिर है, श्रद्धान, जो चीज हमें नहीं दिखती उसका भी श्रद्धान। मेरे को अमेरिका नहीं दिख रही, हम श्रद्धा आपके मान, आप मानते हो कि नहीं? बहुत सी चीजें नहीं दिख रही हैं उसका हम मानते हैं। बातें हैं, हमें नरक और स्वर्ग नहीं दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही है, परलोक नहीं दिख रहा है, फिर भी मानते हैं। ये आस्तिक की भावना, दृढ़ विश्वास, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, इसका थर्मामीटर हमारे पास आपके पास स्वयं है। अपने आप को तोलते रहे कि हम कहीं विचलित तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं मिथ्यात्व में तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं किसी को प्रलोभन में तो नहीं आ रहे हैं। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने किसी विषय पर श्रद्धान किया और आपका श्रद्धान गुरु से, गुरु के सामने सही है, दूसरे गुरु कोई आए और उन्होंने कोई प्रमाण दिखाकर कहा कि यह आप गलत मान रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा मान लीजिए, तो तादो तुम समम, अगर सूत्र से गुरु ने तुम्हें दिखा दिया कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है और तुमने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा, तो तदव पहुदो समिच्छा इट्ठी, उसी समय से मिथ्या दृष्टि बन जाता है। ऐसा धौला जय धौला में आया है, गाथा आई है। ऐसे तो बहुत सारे गुरु जाते हैं, कुछ कुछ बदलवा देते हैं समाज में, बातें हैं, कोई पंडित आया कुछ भी कह गया आपने मान लिया ठीक है, लेकिन गुरु पहुंचे कोई भी या विद्वान आपको प्रमाण दिखाकर शास्त्र के दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ पंचावर से करना, शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई भी प्रकरण है, वनस्पति सचित अचित है उसके भेद और अचित में उसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, संतरा सेव फलादिक डांड से टूटे हुए निर्जीव है, इनको चढ़ाने में दोष नहीं आदि का आपको प्रमाण दिखा दिए शास्त्र के, और फिर भी प्रमाण आपको आपने नहीं माना, आपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा, मिथ्यात्व में आ गया। यह आचार्यों की भाषा है, किसी विषय में भी ले लो आप, जो सूत्र में जिस विषय पर भी आपको बताया, तीरंचों में क्षाई समय दृष्टि है और वो भोग भूमि में इस प्रकार से वो जो वर्णन किया उन्हें ले जाकर डाल देते हैं कोई आदि, भोग भूमि में ही जो सहायक समय तो पहले कर पहले तिरंचाई बांध ली फिर सहायक समय दर्शन हुआ, भोग भूमि तिरंचों में उत्पन्न हुए, तो भोग भूमि में असंख्या तो ऐसे हो गए छाई समय दृष्टि। इस पर श्रद्धान अगर नहीं किया, आगम की भाषा है, सिद्धांत ग्रंथ है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। तो इन विषयों को समझ कर हम सम्यक मार्ग बना के समझ कर अपने सम्यक को दृढ़ बनाए, विचलित न हो, आगम पर और गुरु पर श्रद्धान करें। सबसे बड़े गुरु हमारे हुए आचार्य श्री सांसार महाराज, उनके वचनों पर श्रद्धान करने वाले हम और आप सम्यक दृष्टि है, उनकी परंपरा में हम आप चल रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, इस बात को ध्यान में रखें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।